আপনি আছেন? জয় গুরু, জয় গুরু, ইষ্ট প্রসঙ্গ শুরু করুন। মুঝে বেঙ্গলি নহি আতা তো ক্যা মে হিন্দি মে বোলু? হ্যাঁ বলিয়ে। वंदे लोकतिलकं सात्वता वार्तं विभूषणं अमर कृति उत्सारं वंदे प्रबुद्ध लोक जीवनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तम प्रणामामि लक्ष्मी माता सौरसी रूप धारिणी अनुकूल शक्ति रूप विश्व विधायिनी ऋषि संपूजिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी विश्व कल्याणमय महालक्ष्मी नमोस्तुते। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यं प्रमीणं नमः। ऋषि दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। तो मैं आज आपके साथ तीन चीजें शेयर करना चाहूंगी। तो पहला चीज है कि ठाकुर जी ने उन्नति शब्द का क्या अर्थ दिया है। तो पहले ठाकुर जी ने कहा है कि कोई भी डिफिकल्टी या कष्ट को बिना सॉल्व किए बगैर कोई भी ग्रेट मैन नहीं बन पाया है। तो क्योंकि इस शब्द उन्नति में ही उन और नति, जिसका अर्थ ठाकुर जी ने कहा है श्रेय नति। तो जितना हम अपने श्रेय को भर भर पाएंगे उतना ही हम सक्सेसफुल या अपने जीवन में उन्नति और प्रगति कर पाएंगे। तो अब मैं आप सबके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूंगी कि एक बार एक बहुत ही मतलब बूढ़ी माँ ठाकुर जी के पास आई। उन्हें आश्रम के गेस्ट हाउस से निकाला गया था। तो उन्होंने पूछा क्यों मुझे क्यों निकाला गया है और मैं तो अभी बहुत बूढ़ी हूँ और मैं कहाँ कहाँ रहने वाली हूँ। तो फिर ठाकुर जी ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आपको इधर रहने में कष्ट होगा, आप चले जाइए। लेकिन फिर वो मानी नहीं। तो ठाकुर जी ने अच्छे से समझाया कि आप चली जाइए और आपको यहाँ कष्ट होगा। तो दूसरी बार जब ठाकुर जी ने कहा, उन्होंने इतने मतलब ऐसे टाइप से कहा कि उन्हें अपने आप पर विश्वास हो गया कि ठीक है, मैं एक और जगह मतलब और जगह में रह सकूंगी और मैं कर पाऊंगी। तो फिर और भी लोग आए कि हमें क्यों निकाला जा रहा है। फिर उनको भी ठाकुर जी ने समझाया। तो इसका कारण था कि एक गेस्ट हाउस के एक व्यक्ति को जॉन्डिस हो गया था और फिर हवा में उसका एयरबोर्न डिजीज था। तो इसलिए ठाकुर जी चाहते थे कि कोई भी दूसरे व्यक्ति को ना हो और फिर इसलिए ठाकुर जी ने उन सबको आश्रम गेस्ट हाउस से बाहर निकाला था। अब मेरा जो दूसरा स्टोरी है वो हमें ये सिखाता है कि जजन जाजिना निष्ठविति का पावर हमें बताता है। तो एक बार जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले की बात है, एक व्यक्ति रमाशंकर ने एक ब्रिटिश ट्रेन का ब्लास्ट कर दिया था जिसमें बहुत सारे व्यक्ति के जान चले गए थे। तो इसलिए उनको जो ब्रिटिश पुलिस था वो उनको खोज रहा था। तो उन्होंने पुलिस ने ये भी कहा था कि जो भी रमाशंकर को पकड़ कर लाए तो उन्हें 20,000 रुपीज का अवार्ड भी मिलेगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग उनका उनकी तलाशी कर रहे थे। तो रमाशंकर जी ने सुना था कहीं कि ठाकुर जी के पास जाने से वो बचा लेंगे कुछ, मतलब असंभव को भी संभव कर सकेंगे, बचा लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने रात ही रात कोलकाता में दीक्षा लेकर ठाकुर जी के पास गए। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें पहचाने, इसीलिए वो एक साधु के रूप में ड्रेस हेयर सब चेंज करके गए थे। तो बहुत रात था, मतलब रात था, और उन्होंने कहा कि मुझे ठाकुर जी से मिलना है।
पहले वो मना कर रहे थे, बट फिर ठाकुर पहले उनको उनके जो ऋतिक लोग थे और दूसरे लोग थे वो मना कर रहे थे, पर फिर ठाकुर जी ने कहा ठीक है, मैं उसके साथ बात करूंगा। तो फिर ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने कहा कि मुझे इसके साथ अकेलेपन में बात करना है। तो फिर सब चले गए। तो ठाकुर जी ने पूछा क्या तुम दीक्षा लिए हो? तो उसने कहा हाँ मैंने लिया है। और जजन जजन निष्ठुर करते हो? तो फिर उसने कहा कि नहीं ठाकुर, नहीं ठाकुर जी, मैंने सुना है आप मुझे बचा, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे मुझे लगता है आप मुझे भी बचा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कल रात ही दीक्षा लेकर आया हूँ, मैंने दीक्षा लिया हूँ, तो इसलिए मैं नहीं करता। तो फिर ठाकुर जी ने कहा कि अब जाओ, रात को सो जाओ, फिर कल से जजन जजन इष्टवती करना। तो फिर से कल जब वो आए, रमाशंकर जी आए ठाकुर जी के पास, फिर ठाकुर जी ने पूछा आप कर रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं कर रहा हूँ। तो ठाकुर जी ने फिर कहा कि अब आप जाए अच्छे से नहा लीजिए, और बार्बर के पास जाए, वो आपके बाल भी काट देगा, आप अच्छी तरह से क्लीन होकर आप आ जाइए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें पहचान पाए। तो इसलिए उन्होंने मतलब वो बहुत शैबली ड्रेस्ड थे। तो लेकिन फिर उन्होंने कहा कि फिर ठाकुर जी सब मुझे पहचान लेंगे, और अब पैसों का लालच भी दिया है ब्रिटिश पुलिस ने, तो इसलिए हो सकता है कि बहुत लोग मुझे पहचान कर मुझे पुलिस स्टेशन भेज देंगे। तो ठाकुर जी ने कहा आपको मेरे ऊपर विश्वास है ना, आप सिर्फ ये कीजिए। तो वे गए और फिर आए। जब वो आए तब वो पूरे एक सच्चे राजपूत राजा की तरह दिख रहे थे। और फिर उन्होंने ठाकुर जी के फिर वो ठाकुर जी के पास आए और पूछे ठाकुर जी अब मैं क्या करूं? तो फिर ठाकुर जी ने कहा कि अब तुम जाओ और जो भी आसपास पुलिस स्टेशन है वहां तुम जाकर सरेंडर कर दो। तो वे बहुत मतलब वो बहुत चिंता में पड़ गए कि मैं तो पुलिस से बचना चाहता हूँ और ठाकुर जी मुझे वही मतलब भेज रहे हैं। तो फिर ठाकुर जी ने कहा तुम जाओ, कुछ भी नहीं होगा। तो वे गए और फिर उनको वे जेल में भी गए, और फिर जो ब्रिटिश पुलिस ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने कहा कि मैं आपका जो आपने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया है तो अब हम आपको मार देंगे, इस उन्होंने एक डेट दिया था, तो हम आपको इस डेट में हैंग करेंगे। तो वो बहुत डर गए थे और मतलब रोने लगे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जजन जजन और इष्टवीति नहीं मतलब नहीं छोड़ा। तो फिर लगभग 1 month या 2 months था उस डेट के पहले, तो ठाकुर जी ने कृतिक को अपने पास बुलाया और कहा क्या आप रोज उस पुलिस स्टेशन में जाकर जाजन कर सकते हैं? तो फिर उन्होंने कहा ठाकुर जी जाजन कर सकता, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता, मैं बहुत डरता हूँ उन लोगों से। तो लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने बोला था तो उन्हें जाना पड़ा। वो बहुत डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जाजन किया, हर रोज करते रहे, और फिर उन लोगों के हृदय में एक परिवर्तन आया। उन्होंने रमाशंकर को आज तक सिर्फ एक मर्डरर के ओर से देखा था, लेकिन अब जब उन्होंने ठाकुर जी की बात सुनी और जब उन्होंने सुना कि रमाशंकर ऐसे मतलब रमाशंकर के ऐसे गुरु है, तो तब बहुत उनको टाइम लगा समझने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो रमाशंकर को नहीं मारेंगे बल्कि उससे छोड़ देंगे। तो ये है जजन जाजन और इष्टवीति का पावर। इससे इसने ठाकुर जी ने शांतिपूर्वक रमाशंकर का जीवन भी बचा लिया, उन पुलिस ऑफिसर का हृदय भी बदल गया, और उस ऋतिक का जो डर था इस पुलिस वालों से वो भी चला गया। तो
तो ये हमें सिखाता है जजन जाजन और इष्टावृत्ति का पावर, और कैसे अगर हम ठाकुर जी पर विश्वास करें और उनका सारा बात माने तो हम कैसे बच जा सकते हैं। क्योंकि अगर वो चाहता था तो वो ठाकुर जी का बात नहीं मानकर रात ही रात आश्रम से भाग जाता, लेकिन उस पर ठाकुर जी का विश्वास था जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सबको ठाकुर जी पर पूरा विश्वास रहना चाहिए, रखना चाहिए। तो इतना कहकर मैं रहती हूँ। जय गुरु। सभी का मंगल कामना करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु।